In association with Cuckoo FM. नेता नगरी के इस दूसरे सेशन में बातचीत करेंगे पंजाब की राजनीति के बारे में। एक बार की कुछ लोगों को लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद फिलहाल के लिए संधि हो गई है, युद्ध विराम हो गया है। लेकिन लगातार जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वार प्रतिवार हो रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस को किसी विपक्ष की जरूरत है और लग ही नहीं रहा है कि विपक्ष इस मौके को यूं ही जाने देगा। कई लोग इसमें आम आदमी पार्टी की संभावनाएं टटोल रहे हैं, कई कुछ और बात कह रहे हैं। तो हमें लगा कि अब एक बार फिर से पंजाब की राजनीति के इस बदलते मंजर के बारे में बात करनी चाहिए। राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, साथ में जुड़े हैं प्रो पंजाब टीवी के यादवेंद्र जी। यादवेंद्र जी, सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि सिद्धू और उनके समर्थक कहते क्या है, आला कमान ने उनको क्या प्रॉमिस किया था जो पूरा नहीं हो पा रहा। तो कभी कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी हरीश रावत जाते हैं तो फिर से बात करते हैं। कौन सी प्रॉमिस थी जो डिलीवर नहीं हो पा रही है, क्योंकि विधायकों का जमावड़ा अभी भी चल रहा है, अभी भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। देखिए, सिद्धू को तो प्रधान का ही जो कहा गया था कि आप प्रेजेंट ही होंगे, पर जो उनके साथ लोग थे उनकी बहुत बड़ी इच्छाएं थी। ये चर्चा अक्सर चलती थी, जैसे हम घूमते थे सेक्रेटेरिएट मिनिस्टरों के पास बैठते थे, जो सिद्धू ग्रुप के लोग थे वो अक्सर कहते थे कि सीएम भी नहीं रहेंगे, सीएम चले जाएंगे। एक दो बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की बहुत सारे लोगों से, उसके बाद हमने एक दो जगह बात जब बोली तो कोई मानता नहीं था। पर जिस दिन तृप्त भाजपा जो मंत्री हैं उनके घर ये कहा गया कि कैप्टन को उतारा जाए, उस दिन ये बात पता लगी कि वाकई ऐसे तो मंत्री नहीं बोलेंगे, यानी हाईकमान में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, यानी जो कांग्रेस की हाईकमान है उसमें भी ये बात चल रही है, या ऐसे नहीं है कि मंत्री ऐसे बोलेंगे। तो मुझे लगता है कमिटमेंट तो सिद्धू को एक बार यही था कि आप प्रेसिडेंट बनो, कांग्रेस को चलाओ। पर कांग्रेस को जैसे सिद्धू ने चलाना था वैसे कैप्टन का एक स्टाइल रहा है। कैप्टन कोई भी प्रेसिडेंट देखिए, आप दूल्हो से शुरू कर लीजिए, जब कैप्टन मुख्यमंत्री होते थे 2002 से 7 तक, तब शमशेर सिंह दूल्हो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, दलित थे, उनको नहीं चलने दिया था, प्रताप बाजवा को नहीं चलने दिया, बखल को नहीं चलने दिया, केपी को नहीं चलने दिया, जितने भी प्रेसिडेंट आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चलने नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो बाद में ये चला कि सीएम वाला, तो फिर वो ही है कि सब अपने अपने तीर छोड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हाईकमान की जरूर मुझे लगता है कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है, क्योंकि मिनिस्टर अपने लेवल पर ये बात बोलेंगे मुझे नहीं लगता। हालांकि पहले यही कहा गया है कि आप कुछ डिलीवर कीजिए, उसको हम दिखाएं कि ये देखिए सिद्धू आ गए हैं, सिद्धू के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और वो सिद्धू ने कोशिश की, पर कंट्रोवर्सी बहुत हो गई, आपको पता ही है उनके सलाहकारों वाली कंट्रोवर्सी और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिद्धू को नुकसान भी हुआ, क्योंकि राजनीति तो परसेप्शन पर चलती है, क्या ठीक है क्या गलत है, जो माली ने बोला या बाकी ने बोला, वो ट्वीट क्या थे, कब के थे, फेसबुक पर उन्होंने कब लिखा था, जो पुरानी बातें थी वो, पर जब कंट्रोवर्सी बनी तो परसेप्शन बनी, परसेप्शन की वजह से बहुत सारी चीजें आई। पर मुझे लगता है कि शुरुआत में तो कमिटमेंट, ऐसे लोग कहते हैं कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो कहते हैं कि हम पूछते हैं कि कई क्या प्रियंका का मतलब थापड़ा मिला हुआ है, प्रियंका ने बोला है, राहुल ने बोला है, किसने बोला है कि आप यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस में ऐसे नहीं होता, कांग्रेस में कोई ऐसे नहीं कहता ये करो, माहौल बनाना पड़ता है, वैसे तो हर पार्टी में होता है, पर कांग्रेस में कहता है ज्यादा कि ऐसा नहीं है कि राहुल कहेंगे कि सीएम बोलेंगे कि हमने बदलना है, नीचे से आवाज आएगी, माहौल बनेगा, बनाया जाएगा, और कोई दूसरा तीसरा बोलेगा, कोई खड़गे बोल देगा, केसी वेणुगोपाल बोल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कोई और लीडर बोलेंगे जिसकी वजह से फिर ये माहौल बनेगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 के लिए सिद्धू को ही चेहरा देखना चाहती है हाईकमान, और सिद्धू को ही बहुत सारा जो ग्रुप है वो चेहरा देखना चाहता था, इसकी वजह से इतना जो पिछले दिनों में बड़े बड़े विवाद हुए हैं वो सारी वही है कि पावर ट्रांसफर जब होती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो पावर छोड़ने वाले नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। राहुल जी, यादविंदर जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में, जो शायद समय के साथ सामने आई, या वो उसकी तरफ हिंट करके उन्होंने आगे बढ़ जाना बेहतर समझा, हम समझना चाहते हैं कि आप ज्यादा करीब से सेंट्रल लीडरशिप को देखते हैं दिल्ली में ही, आपकी क्या जानकारी है सर कि किस तरह का विचार अब भी सेंट्रल लीडरशिप में, क्योंकि जैसे सौरभ कह रहे थे कि आप एग्जांपल कैसे सेट करना चाह रहे हैं, दो आपके पास फुल मेजोरिटी स्टेट्स थे उसमें खिचड़ी बनी हुई है और वो बहुत स्वादिष्ट नहीं है, और एक आपने सोल्यूशन दिया
और उस सोल्यूशन को आपने लागू कराया अपनी विल के ऊपर, अपनी विम के ऊपर, और उस सोल्यूशन के बाद में हम ये छीछा लीडर देख रहे हैं, आपकी क्या जानकारी है सर? निखिल देखिए, अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस हाईकमांड सिद्धू को चेहरा देखना चाहती थी, तो तमाम मीटिंग के बाद जब हरीश रावत ने एक बार कह दिया कि अमरिंदर सिंह ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, चुनाव उनके अंडर जाएंगे, तो वो सिग्नल नहीं आया। ये सिग्नल केंद्रीय जो हाईकमांड है कांग्रेस का, वो सिद्धू के लिए सिग्नल कि वो चेहरा होंगे वो कब दे सकता है? जब उनको ये लगेगा कि सिद्धू अकेले अपने दमखम पे चुनाव लड़ सकते हैं और अमरिंदर सिंह की सेबोटाज करने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ तब हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इनमें से एक भी 100% फैक्ट सही है? इसलिए ये कोई कहेगा कि केंद्र की तरफ से सिग्नल था। देखिए, सिद्धू फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, प्रियंका गांधी उनको बैक करती हैं, लेकिन क्या यूनिफॉर्मिटी है पूरे परिवार में इस चीज को लेके? मैं इस बात के लिए नहीं कहूंगा कि तीनों में यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन हाँ, सिद्धू को एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन परेशानी यहाँ पे ये हुई है कि सिद्धू जो है वो महत्वाकांक्षा जो उनकी है वो मिल्खा सिंह है, और उस मिल्खा सिंह महत्वाकांक्षा लेकर वो जिस तरह चल रहे हैं कि वो जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने कहा कैप्टन कौन, मेरा तो एक ही कैप्टन। आज तक उनकी लाइन वही है कि जब हरीश रावत जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं उस राज्य के, मंगलवार को वो मिलते हैं सिद्धू जी से पंजाब में, और वहां पे विधायकों मिनिस्ट्री मंत्रियों से बातचीत चल रही है, सिद्धू जी दिल्ली आ जाते हैं, अपने जनरल सेक्रेटरी के वहां होते हुए दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक चस्का लग गया है। देखिए कि वो यहां आएंगे, हाईकमांड उनकी बात सुनेगी, अमरिंदर का पलड़ा थोड़ा सा नीचे होगा। ये जो गेम है एक टाइम आया कि अमरिंदर सिंह दो बार उनकी एक पैनल के सामने पेशी हुई। अमरिंदर सिंह वो नेता है जो कि जिनके साथ राजीव गांधी कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे, शादी ब्याह के बाद राजीव गांधी सोनिया गांधी उनके साथ घर रहे। वो कैलिबर का नेता अपने से बहुत जूनियर नेताओं के सामने डिपोज करता है, परेड होती है, उनकी पेशी होती है, और ये बात कांग्रेस को पता है कि अमरेंद्र के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, उसके बावजूद होती है, सिद्धू के साथ फोटो खींचती है। देखिए, ये पूरा पंजाब का मामला, कांग्रेस ने कोशिश क्या करी है कि साहब आपका पाइप फट गया है, आप उस पर स्कॉच टेप लगा रहे हैं या बैंडेड लगा रहे हैं। दो महत्वाकांक्षाएं बड़ी तेज हैं, सिद्धू आगे आने वाले कल के नेता है हो सकते हैं, अमरिंदर सिंह आज के मजबूत मठाधीश हैं पंजाब के कांग्रेस के, जो एक चुनाव जितवा चुके हैं, उनके बिना जीत नहीं सकते। दोनों को कंट्रोल करने की जो ताकत है मेरे ख्याल से वो केंद्रीय आला कमान में बची नहीं है कि वो उनको कह देंगे खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह से वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, यही हाल छत्तीसगढ़ में है कि जहां बघेल साहब और सिंहदेव लड़े पड़े हैं, यही हाल आपका राजस्थान में है। कांग्रेस के तीन राज्यों में अपनी लोकल लेवल की लड़ाइयां और अपने एम्बिशंस इतने क्रिटिकल हो गए हैं, और कांग्रेस का जो टॉप ब्रास है, हाई कमांड है, वो उसको एक प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी की, वो ना तो चुनाव जीतवा पा रहा है। अब उसका जो मिनिमम रोल रहा है कि वो पार्टी को एक रखे, या जो कहते हैं ना अंग्रेजी में द बक शुड स्टॉप विद देम, वो भी वहां से खत्म होना खत्म हो गया है। ये कांग्रेस के लिए क्राइसिस घड़ी है। मैं ये कहूंगा पंजाब सिम्टम है, छत्तीसगढ़ सिम्टम है, बीमारी दिल्ली में। मैं ये जानना चाहता हूँ यादवेंद्र जी, राहुल श्रीवास्तव जी ने जो बात कही वो तो आला कमान की बात हो गई, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आपको बताऊं, चूंकि मैं खुद भी पंजाब में काम कर चुका हूँ, कई पत्रकार मित्रों से पुराने बात हुई अलग अलग जगह, तो उन्होंने एक बात कही जिसके लिए हिंदी में कहावत है कि सूत न कपास, जुलाहे में लठम लट्ठा, कि ये सब लड़ ऐसे रहे हैं जैसे अगली सरकार बनाना इनका तय हो चुका है, जबकि हालत ये है कि ग्राउंड में कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है आज की तारीख में पंजाब। तो मैं आपके ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूँ कि आपको लड़ाई में कौन दिख रहा है, क्या एंगल लग रहे हैं, क्या मुद्दे लग रहे हैं आज की तारीख में? पिछली बात आपसे जो हुई थी उसको अब 3-4 महीने बीत चुके हैं, नई सिचुएशन में। देखिए सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिली है कांग्रेस की, रिपोर्ट यही है, कांग्रेस बहुत डैमेज हुई है पिछले दिनों में, जो सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई हुई है उससे बहुत डैमेज हुई है कांग्रेस, और बहुत कंफ्यूज है कांग्रेस, कांग्रेस का वर्कर बहुत कंफ्यूज है। हालांकि जब सिद्धू प्रेसिडेंट बने थे तो खासतौर जो यूथ वोटर है, जो यंग कांग्रेस मैन है, उसमें काफी उत्साह आया था, उसको लगा था कि हमारा एक इस तरह का लीडर आ गया, बड़े बड़े हमले पॉलिटिकल होंगे,
वो काफी एक्टिव हुआ था, और जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे वो भी रुके थे कहीं ना कहीं, जो लोकल लेवल पर कांग्रेसी शिफ्ट होते हैं वोटों में, कांग्रेस अकाली एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होते हैं वो भी रुके थे। पर मैं जो राहुल जी बात कह रहे थे, आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरा विरोध कर रहे थे कि सिद्धू प्रधान नहीं बनेंगे, और पूरा जब जाखर ने एक मीटिंग रखी सिद्धू के प्रधान बनने से पहले कांग्रेस भवन में, तो इसका विरोध होना अंदर खाते शुरू हुआ। ये बात पहुंचाई गई बहुत सारे एमएलए के पास और एमपी के पास और बहुत सारे लोगों के पास कि आप नहीं आएंगे। जाखर ने एक मीटिंग बुलाई थी, प्रेजेंट थे वो, कि आप आइए, वो सिद्धू के लिए मीटिंग थी, हाईकमान ने कहा था, हमें ये पता चला था, पर कैप्टन के जो ग्रुप ने कहा कि ये आप ना आइए इसमें। उसी को देखते हुए हाईकमान ने उसी दिन आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटका देकर सिद्धू को प्रेजिडेंट बनाया। आप देखेंगे रावत, अगर आप देखेंगे रावत प्रो कैप्टन है, हालांकि ये मतलब वो कहते यही है, सबके पास आते हैं, पर वो जो अगर ग्रुप कहेंगे रावत कहीं ना कहीं कैप्टन के साथ हैं, तो रावत कैप्टन के लिए ही बैटिंग करते हैं। आप जितना मर्जी आप देखिए, अपने ही पिछले टाइम भी देख लीजिए, और वहां पर गए आप देखिए उनका बाद में इंटरव्यू, टीवी 9 पर उनका एक इंटरव्यू, आप जब ये बयान दिया उन्होंने 2022 में कैप्टन ही होंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू में वो सारी बातें गोलमोल कर रहे हैं जो हरीश रावत हैं। तो ये जो डिसाइड क्या होना है कि नहीं होना, राहुल जी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक ये कांग्रेस सोच रही है कि साबोटाज करने की स्थिति में नहीं होंगे। कैप्टन का एक ग्रुप है और कैप्टन बहुत पुराने लीडर हैं और कैप्टन की ग्राउंड पर काफी काम किया उन्होंने, तो ये सारी बातें हैं, मतलब पिछले दौर में पिछले 20-25 साल की उनकी एक पॉलिटिक्स है, तो उसको एकदम दरकिनार करना हाईकमान के लिए भी है। इसीलिए जो लोग जा रहे थे, हमें ये पता चला कि जो लोग सोनिया के पास भी गए थे कि कैप्टन को हटा देना चाहिए, या ये बात जब चलती थी उन्होंने कहा था कि आप मतलब ये बात ऑफ द रिकॉर्ड सामने आई थी कि कुछ लेके तो आइए, आपके पास है क्या, तो जब वो बात आती है तो कैप्टन भी जब डिनर रखते हैं वहां भी सारे एमएलए पहुंच जाते हैं। ये तो पावर वाली गेम है, उनको लगता है अगर कैप्टन हमारा नुकसान ना कर दे, ये बहुत सारे एमएलए ने बोल दिया कि हमारे अफसर हटा दिए गए जो हमने लगवाए थे, तृप्त बाजवा जो मंत्री हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, सुरेंद्र रंधावा कह रहे हैं कि हमारा कैप्टन बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, कैप्टन का एक पकड़ है, सरकार है उनकी, और सिद्धू के पास तो एक कुर्सी है, उससे कोई चीजें ट्रांसफर तो नहीं हुई, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है इस वजह से भी ये सारा संकट है, पर इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान पंजाब में हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ये भी टसल है जो हरीश रावत, बहुत सारे अलग अलग कांग्रेस मैन है जो राहुल के साथ हैं, जैसे खड़गे हैं, जैसे और जो कमेटी बनी थी, वो सारे लोग अपनी तरह की पॉलिटिक्स चलती रही है और यहाँ पर अपनी तरह से, और राहुल गांधी ने जो कॉलें की थी हमें पता चला, राहुल गांधी ने बहुत सवाल लेके पूछा लोगों से, अरे क्या कैप्टन साहब और सिद्धू साहब का क्या चल रहा है, जिन लोगों को कॉलें आई थी एमएलए को, हमने उनसे बात की, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि इस तरह की बातें चल रही थी, तो राहुल भी बड़े मूड में थे, क्योंकि राहुल को हमेशा लगता रहा है कि कैप्टन ने उनको कभी लीडर नहीं माना, और कैप्टन ने ये कहा भी था कि राहुल अभी पीएम बनने के लायक नहीं है, पिछले चुनाव से पहले अगर इंडिया टुडे पर ही कहा था, मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं वो सारे रंज हैं, तो अपने अपने तरीके से अपने अपने पॉलिटिक्स सब साध रहे हैं। यादवेंद्र जी, सवाल ये था कि कांग्रेस की इस लठम लट्ठे से किन पार्टियों को पंजाब की जमीन पे फायदा होते दिख रहा है, आम आदमी पार्टी, अकाली दल या कोई और? वो तो यहाँ यहाँ पर देखिए कांग्रेस वो इक्वेशन क्या क्या किस किस हल्के में या माझा मालवा द्वाबा में जिस जिस तरह से है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा फायदा आपको मिल जाएगा या अकाली दल को मिल जाएगा। मुझे लगता है ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं पंजाब में, अकाली दल कैडरवेज पार्टी है, 100 साल हो गया अकाली दल को, पुरानी पार्टी है, अकाली दल को भी इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी एक अंडरकरंट पंजाब में, आप सब जगह जब घूमते हैं तो देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी लोग कहते हैं चेंज वाली जब बात आती है, क्योंकि किसान आंदोलन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है चेंज का, तो वो चेंज वाली जब बात आती है तो लोग एक लेसर इवल के तौर पर आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं, और अकाली दल का एक कैडर है, अकाली दल सत्ता में रहा है, तो इसका फायदा अकाली दल और आप दोनों को होगा। एक और सवाल आपसे पूछूंगा फिर राहुल जी के पास चलूंगा, क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी वो पजल सॉल्व कर ली है, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उनका सीएम फेस कौन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी गरारी वहां अटकी थी, लोगों ने लगभग कंफर्मेशन के स्वर में कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल तो तैयार बैठे हैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई फेस मिला इनको? इनका भी झगड़ा, शायद ये झगड़ा आप तक ना पहुंचा हो, कैप्टन अमरिंदर खबरें नेशनल मीडिया में चली जाती है सिद्धू वाली, पर आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर काफी झगड़ा चल रहा है,
क्योंकि केजरीवाल ने पहले की 15 तक हम कर देंगे। भगवंत मान ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने, भगवंत मान साइलेंट है, पिछले आप उनका फेसबुक पेज देखिए, भगवंत मान बिल्कुल साइलेंट है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और भगवंत मान की ये सूत्र ये बताते हैं कि उनकी नाराजगी है पार्टी से, वो साइलेंट बैठे हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे वाली जो पिछले टाइम जो ये सबसे बड़ा बना हुआ था कि कौन होगा क्या होगा, वो इस बार भी नजर आ रहा है। इस बार भी भगवंत मान क्योंकि बहुत पुराने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं भगवंत मान हो, पर बहुत सारे और चेहरों पर भी आम आदमी पार्टी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो पिछली बार सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था वो इस बार भी बना हुआ है, अगर आम आदमी पार्टी डेवलप होगी तो इस वजह से। पर सबसे बड़ा ये है कि कौन उनका चेहरा होगा, क्योंकि क्या वो पॉलिटिकल चेहरा होगा या कोई टाइप चेहरा होगा। सुना है किसान आंदोलन के लीडरों से उनकी बात हो रही है, बहुत सारे लोगों से उनकी बात हो रही है, तो ये देखना होगा कौन सा चेहरा होगा। पर आम आदमी पार्टी में ये संकट अब भी चल रहा है। राहुल जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली की सियासत पर नजर रखते हैं, पंजाब के इलेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन दलों के लिए, बीजेपी तो उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है क्योंकि वो ग्राउंड अभी उनके लिए बहुत कमजोर है पंजाब का। आम आदमी पार्टी को है कि पंजाब जीत जाएंगे, एक फुल स्टेट मिल जाएगा तो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। कांग्रेस को है कि अपना डिफेंड कर पाए, अगर कर पाए तो, और अकाली दल की तो पूरी पॉलिटिक्स ही है। दिल्ली में किस तरह की चर्चा है पंजाब की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, जो नॉन कांग्रेस प्लेयर्स हैं खासतौर पर उनके बारे में? देखिए सौरभ, बीएसपी काफी अच्छा जोर लगा रही है, बीएसपी वहां पे अपना एक रिवाइवल वोट का समझ रही है। देखिए बीएसपी को मालूम है कि कई रीजन्स पंजाब के ऐसे हैं जहां पे उसकी पैठ बन सकती है, जिसे कहते हैं ना द बीएसपी वांट्स टू ब्रेक न्यू ग्राउंड देयर। अकाली और बीएसपी साथ में रह चुके हैं एक बार और वो उसको रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस समय पे बड़े बादल साहब हुआ करते थे और बड़े बादल और छोटे बादल में काफी फर्क है, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी वहां पे एफर्ट लगा रही है। हालांकि मैंने अभी कुछ दिनों से नेताओं से बातचीत जो की है वो थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता आई है, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो या बीएसपी के बाकी नेता हो या काडर हो, जो उनका जो कंट्रोलिंग काडर होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, थोड़ा उसका अटेंशन यूपी के कारण भटका है, लेकिन बीएसपी काफी दांव लगा रही है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है सौरभ कि बीजेपी वहां पे जो उसको पता है कि जट सिख में प्रॉब्लम है, उसको दलित में प्रॉब्लम है, मगर एक पंजाबी वोट का कल्टीवेशन के लिए बीजेपी एक वहां पे पंजाब में स्ट्रेटेजी बना रही है। आम आदमी पार्टी का जो मैंने यहाँ कुछ नेताओं से बात करी, वहां पे उनकी जो क्राइसिस पंजाब में अभी भी चल रही है वो जैसे कि हमारे वक्ता ने कहा कि वहां पे फैक्शनल वॉर शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही लोगों को दिखता है कि जमीन उपजाऊ हुई है, खेती अच्छी हो सकती है, तो ये बंदर बांट शुरू होती है कि इतना टुकड़ा खेत का मेरा, इतना तुम्हारा। लेकिन एक परेशानी अभी भी मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी को रिजॉल्व करनी है कि पंजाब जैसे राज्य का चाहे लैंप पोस्ट भी आप मुख्यमंत्री बना दें तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के राज्य से, और वो एक बैलेंसिंग एक्ट होगा जो कि बड़ा मेरे ख्याल से और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से देश में ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जहां पार्टी का जो अध्यक्ष हो वो छोटे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और जो पार्टी का एक नुमाइंदा हो वो मुख्यमंत्री बन जाए बड़े राज्य का। तो एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग जो होगी कैंपेन के दौरान या उसकी अगर सरकार बन जाती है, वो डिलेमा मेरे को लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए, आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत